उत्तर प्रदेश के बांदा में आज प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी पहुंचे। उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहां के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके शुरू होने पर चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर लगभग 7 घंटे में ही तय कर लिया जाएगा। देखिए, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का, तो ये सपना लगभग पूरा हो रहा है। आप सबको याद होगा 29 फरवरी 2020 को बहुत बड़ा और बृहद कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ था। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मुख्यमंत्री जी, हमारे उद्योग मंत्री जी श्री नंदी जी, सभी लोगों ने ये निर्देश दिया है इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर ले। आज तक लगभग 97% काम पूरा हो गया है और बहुत तेज़ी से जहां काम अधूरा है उसको अगले 10 दिन में 5 तारीख तक पूरा कर ले रहे हैं। और हमारा जो है प्रयास है कि इसको हम जल्दी इसको चालू कर दें। जुलाई के द्वितीय सप्ताह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन यहां संभावित है। हमारे सभी अधिकारी धूप में गर्मी में सभी लोग लगकर इस काम को पूरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर संभव रूप से इसको जो है पूरा कर दें। आपने ये भी देखा होगा कि केन पर कई पुल बने होंगे, यमुना जी पर कई पुल बने होंगे। 6 से 7 साल लग जाते हैं पुल बनने में, लेकिन हम लोगों ने इन सब प्रोजेक्ट्स को लगभग 28 महीने में ही पूरा कर दिया। यानी 36 महीने का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट था, लेकिन 28 महीने में यानी 8 महीने पहले प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी का ही प्रताप है। हमारे उद्योग मंत्री जी इसको लगातार इसके हम लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कोविड होते हुए भी, 2 राउंड कोविड होते हुए भी, कोविड के प्रभाव के बावजूद भी प्रोजेक्ट के काम में कहीं कमी नहीं रही और प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया। हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्वालिटी का काम पूरा किया है, ये बहुत खुशी की बात है। एक बार जब ये सड़क चालू हो जाएगी तो चित्रकूट से दिल्ली लगभग 7 घंटे में आदमी पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा एक जो है बूम होगा। हम लोग अब फिनिशिंग टचेस देने आए हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी जल्दी इस काम को 5 तारीख तक पूरा कर दें। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र को देखेंगे और इस काम को आगे। वहीं एक्सप्रेस वे के पूर्ण होते ही देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा संभावित जुलाई में द्वितीय सप्ताह में यहां पहुंचकर इसका अनावरण किया जा सकता है। बांदा से राजीव द्विवेदी की रिपोर्ट।